एक पोस्ट अभी सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रही है कि शादी के बाद अगर बेटी अपनी माँ से ज्यादा बात करती है तो वो अपनी बेटी का घर तुड़वा देती है और बेटे का घर तुड़वाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का ही होता है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि एक माँ अपनी बेटी को बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, उसे बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छे संस्कार देती है, फिर वो माँ अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा घर परिवार ढूंढकर उस बेटी की शादी करती है और शादी के बाद वही माँ अपनी बेटी का घर तोड़ देती है। तो ये बात कहाँ तक सही है? क्यों करेगी आखिर कोई माँ ऐसा? अपनी बेटी का घर तुड़वा के एक माँ को क्या मिलेगा? और चलो मानते हैं कि बेटी की माँ शादी के बाद अपनी बेटी से ज्यादा बात करती है तो बेटी का घर टूट जाता है, तो यह बात तो बेटे की माँ पर भी लागू होती है ना कि शादी के बाद अगर बेटे की माँ भी अपने बेटे से ज्यादा बात करती है तो उसका घर भी टूट जाता है। तो यहाँ पर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ना तो बेटे की माँ अपने बेटे का घर तुड़वाती है और ना ही बेटी की माँ अपनी बेटी का घर तुड़वाती है। अगर उन्हें घर तुड़वाना ही होता है ना तो वो अपने बेटे बेटी का घर कभी नहीं बसाती है। घर टूटता है ना तो सिर्फ पति और पत्नी दोनों के अहंकार की वजह से। अगर दोनों के ही रिश्ते में प्यार, विश्वास और सम्मान होगा ही नहीं तो घर का टूटना तो स्वाभाविक है ना। तो घर टूटने में सबसे बड़ा हाथ पति और पत्नी का ही होता है, ना कि दोनों माओं का।